trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. देख सकते हो कितनी दूर तक रोशनी जा रही है, आप रिफ्लेक्ट देख सकते हो, वो तो चमक गया करते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका पूरे के पूरे 8 दिन बाद। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो 8 दिन बाद आ रही है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत काम नहीं था, मतलब मैं भी थोड़ा सा ना बिजी था, इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाया। और बाकी क्या है कि अब आ रखी है न्यू ब्रांड न्यू 2022 वाली ऑल्टो। मैं आपको एक बार दिखा, तो थोड़ा सा ना अंधेरा हो चुका है, ये देख सकते हो। तो ये ब्रांड न्यू ऑल्टो है, ये इसकी वीडियो बनाने वाला, इसमें क्या क्या लगा सब फिट जो भी हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पहली वीडियो आई थिंक ऑल्टो 2022 मॉडल, तो देखते हैं फिर और देखते हैं क्या क्या इंस्टॉल हुआ, क्या क्या कितना खर्चा आया इस पर। तो इस वीडियो का एम लाइक है 50,000, तो मुझे लगता है कि आप 50 लाइक तो करवा ही दोगे। और जो भाई देखने आ रहे हैं कमेंट भी कर देने यार, थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है यार कि और वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। बाकी ऑल्टो दिखाता हूँ अंदर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या लगा है इसमें, तो सारी वीडियो देखना है यार और एंजॉय करना, और इस वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी कर देना यार। तो इसमें लगा अपना कंपोनेंट पाइनियर का, बाकी और यहाँ पे एक ट्विटर लगा हुआ है, उस साइड भी लगा हुआ है और इस साइड भी लगा हुआ है पाइनियर का ट्विटर। और ये 9 इंची का अपना ये लगा हुआ है एंड्रॉइड, तो ये मेलन कंपनी का लगा हुआ है 9 इंची एंड्रॉइड। बाकी यहाँ पे एक अपना स्टेयरिंग रैप हो रहा है, स्टेयरिंग पे कपड़ा चल रहा है, ये देख सकते हो आप। और बाकी पीछे भी स्पीकर लगे हैं, स्पीक पीछे क्या लगे हैं भाई, पीछे स्पीकर लगा है कोएक्सल के, पीछे स्पीकर लगे हैं ये देख सकते हो आप। और ये सीट भी देख सकते हो आप ऑल्टो की, तो पीछे स्पीकर्स लगे जैसे मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे जो कंपनी लगा के देती है अपने को सीट कवर्स, वही लगाए हुए हैं इसमें, और ये आप देख सकते हो, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, इस पर ऑल्टो भी लिखा हुआ है एंड ये देख सकते हो। तो ये कुछ सीट कवर ऐसा है और बाकी यहाँ पे चल रहा है काम। और फ्रंट पे क्या लगा है, फॉग लैंप लगे हैं और इसमें वाइट लाइट, ऊपर प्रोजेक्टर लग रहा है। बाकी यहाँ पे लगी है दोनों साइड रूफ रेल, ये देख सकते हो आप स्पोर्ट्स जेड की, तो ये भी काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। और पीछे से एक बार ओवरऑल लुक देता हूँ आपको, पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है, एक्चुअली थोड़ी सी लाइट मतलब अंधेरा हो गया तो इसलिए अच्छे से ना मतलब कैप्चर हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा वो दिख जाए अच्छे से। ये सीट पर आप देख ही सकते हो जैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, वहाँ पे लग रहा है अपना LED सामने जो प्रोजेक्टर होता है। तो कौन सी कंपनी का भाई, बता दो, क्विकसोनी का लग रहा है, क्विकसोनी का यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे वायरिंग हो चुकी है, फोग लैंप भी आपको मैं जला के दिखाता हूँ कि कैसे लग रहे हैं फोग लैंप भी, और अंदर भी भाई स्टीयरिंग रैप हो रहा है। उसके बाद जो भी ओवरऑल अपना गाड़ी का सारा सामान होगा वो दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हो कितनी दूर तक रोशनी आ रही है, आप रिफ्लेक्ट देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा है मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है, ये देखो बिल्कुल ही ओवर बिल्कुल रोशनी है, देखो बंद करना है एक बारी, ये देखो चलाना एक बारी, देखो ऑटो चमक गया कहते, ये देखो और ये देखो भाई साहब बहुत ही अच्छा लग रही है, लाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट दे रहा है एक तरह से। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ दिखा दिया, गाड़ी के सीट्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, ये हो गया अपना ट्विटर हो गया, कवर हो गया, बाकी मेरे को साउंड सुनानी रह गई थी, जो आगे कंपोनेंट लगे हैं पीछे दो स्पीकर्स लगे हैं, तो इनकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी स्मूथ सी आवाज़ है। और बाकी आगे मैंने लाइट्स दिखाई आपको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फोटो भी नहीं खींची जा रही मेरे से, ऐसे हो रखा है। और फोग लैंप की वायरिंग हो रही है वो हो जाए, और यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने ऑल्टो वालों ने, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा यहाँ पे। तो बाकी ऑन करते हैं इसे, तो सुना नेटवर्क इशू है शायद, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो इसलिए थोड़ा सा रुक रहा था। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ये आपको मैं सारा
चावला जी से पूछवाता हूँ कि क्या प्राइस पड़ा, क्या खर्चा है इस गाड़ी पे और क्या क्या काम हुआ। एक बार दोबारा रिपीट हो जाएगा, आपको भी रिमेम्बर हो जाएगा कि हाँ ये काम हुआ और इतने में हुआ है। बाकी आप भी यहाँ पे आ सकते हो चावला जी के पास। और इस शॉप का नाम है करोल बाग में ललित कार एसेसरीज के नाम से मिलेगा आपको, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन का भी, फ़ोन नंबर भी। बाकी सब मिलवाता हूँ चावला जी से और पूरी बात करवाते हैं। और ये एक हॉर्न रह गया था शायद, ये देखो ये हॉर्न की साउंड से ऐसे आप सुन रहे हो, क्रेटा वाली है। तो ये रहे अपने चावला जी। तो चावला जी कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया भैया, काफी दिन बाद एक शूट आया अपने पास, तो काफी काम लो है ना यार। तो बिल्कुल देखो, शराब चल रहा था, शराब में लोग काम कम ही कराते हैं जो लोग। अगर आपको काम करवाना है और आपका बजट लो है तो भी चावला जी के आप आना आपके पास, और इनका काम बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, और आपका रेट भी बहुत कम लेंगे। बाकी एक बार आप गाड़ी के बारे में बता दीजिए कि कौन सा मॉडल है और क्या क्या काम इसमें हुआ है। ये इसका बेस वेरिएंट है, अभी टॉप मॉडल इसका आने वाला है, लॉन्च हो चुका है वैसे तो मार्केट में आने वाला है। हम चाहते हैं कि पहले से शुरुआत इसको प्रिपेयर होकर के रहे कि टॉप मॉडल में किस तरीके से हमने बेस मॉडल को टॉप में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम इस पर ट्राई कर रहे हैं गाड़ी पे, बहुत अच्छा इसका काम भी हो गया है। इसमें ज़्यादा काम नहीं था वैसे, एक एंड्रॉयड लगा है इसके अंदर, पीछे कैमरा है, आगे कॉम्पोनेंट डाला है पाइनियर का, और पीछे ओवल डाल दिया है। ओवल की जगह हमने इन्हीं का स्पीकर पीछे वहाँ पे यूज़ कर लिया ट्रे के अंदर। हाँ जी ठीक है। इसका स्टेयरिंग रैपिंग हो गई है, आगे हेडलाइट में एक LED डाल रहे हैं हम। सीट कवर हमने तैयार कर दिए इसके, और नीचे फोग लैम्प लगा दिया हमने इसके, और एक रूफ रेल इसके अंदर डाली है। और भी एक दो काम है जो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग इसी तरीके से हमको प्यार मिलता रहे। बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस पे हम काम करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है हमारे लिए, और कस्टमर खुश नहीं होकर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है हमारा काम करने का भी। एक बार इसमें जो काम हुआ मैंने सब दिखा दिया पब्लिक को, पहले एक बार इसका खर्चा बता दीजिए कि कितना खर्चा आया होगा। खर्चा इनका कोई ज्यादा, इन्होंने काम तो करवाया नहीं है गाड़ी के अंदर, एक इनका अप्रोक्स मान लो आप 18,000 से 20,000 रुपए में इनका ये काम हमने करके दे दिया है। मतलब सीट कवर्स हो गए, LCD हो गई, और ये स्टीयरिंग रैप हो गया, फोग लैंप वगैरह, स्पीकर वगैरह सब अपने 18 से 20 वगैरह, ये सब चीजें हमने करके दी है इसके अंदर, साइड फिटिंग वगैरह सब। तो जो भी काम कराना हो और इनके पास जरूर आना, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन भी मिल जाएगी, और आना और मेरी तरफ से आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी आप मिलेगा सर, बाकी आपको फोग लैंप वगैरह दिखाते हैं और फिर वीडियो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अपना फोग लैंप लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा ना मतलब रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो दिख नहीं रहा अच्छे से, बाकी ये देख सकते हो आप काफ़ी रिफ्लेक्शन है इसकी भी, और ये पार्किंग लाइट जैसे आप देख सकते हो। और इसका एक बार मैं आपको मेन जो DRL है वो भी जला के दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है प्रॉपर तीनों में, और एक बार ये जलवाते हैं फिर आप। तो मैं आपको तीनों एक साथ जल के दिखाता हूँ, और एक आप ये देख सकते हो फोग लैंप और ये पार्किंग लाइट, और एक बार फोग लैंप जला दो और ये देख सकते हो आप मतलब पूरा उजाला, बाकी दिखाई दिया मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको। एंड एक बार ये देख सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ी का काम मैंने आपको दिखा दिया है, तो कैसी लगेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि गाड़ी का काम आपको कैसा लगा।